वेलकम दोस्तों, अब हम फ्रस्टम ऑफ कोन है ना, इसको बनाना सीखेंगे। अगर इसका फ्रंट व्यू हमारे पास है और इसका टॉप व्यू हमारे पास है तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू हम कैसे डेवलप करेंगे, हाउ टू डेवलप आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। जैसे एक सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है, ठीक है। ये सॉलिड कोन में हमने क्या किया, ये सॉलिड कोन है, इसमें ऊपर हमने कुछ पोर्शन काट दिया, कट ऑफ कर दिया, ठीक है, कट ऑफ कर दिया। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ये जो ऑब्जेक्ट निकल गया है सामने ऊपर, ठीक है, ये कट ऑफ करने के बाद ये फ्रस्टम ऑफ कोन होता है बेसिकली, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि फ्रस्टम ऑफ कोन का आपको फ्रंट व्यू दिया रहेगा। फ्रंट व्यू कैसा दिया रहेगा, देखिए आप पहले एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता है कि अगर यहां पे मैंने कोन का फ्रस्टम रख दिया है, सपोज ये कोन का फ्रस्टम मैंने यहां रख दिया है, तो इसका फ्रंट व्यू यहां लेने से मेरे को सिर्फ ये ऐसा दिखाई देगा, नीचे वाली एज बड़ी और ऊपर वाली बड़ी, और ऊपर से इसको देखने में मेरे को यहां पे क्या दिखाई देगा इस वाले प्लेन में, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। तो नॉर्मली क्वेश्चन में मेरे को ये दिया रहेगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। तो अब मेरे पास देखिए एक एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये मेरे पास फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट है, ठीक है, और ये इसका टॉप व्यू है, एक और ये दो बेस वाला स्केला। अब मेरे पास ये हाइट है, यहां से यहां तक की हाइट तो है मेरे पास, ठीक है। ये छोटा वाला रेडियस है, स्मॉल रेडियस आर, ठीक है, और ये बड़ा वाला रेडियस है, कैपिटल रेडियस आर, ठीक है, ये दो है मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका आइसोमेट्रिक व्यू डेवलप करना है। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है ना, इसका मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू डेवलप करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं कहीं स्टार्टिंग पॉइंट एक मान लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट में मैंने 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ किया, मैंने इधर भी 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और इस कैपिटल आर के बराबर मैंने क्या किया, ठीक है, ये कैपिटल आर के बराबर मैंने इस कैपिटल आर के बराबर मैंने एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट से ये जो एच है, एच के बराबर की मैं हाइट ले लूंगा, एच के बराबर की मैंने हाइट ले लिया, ये देखिए ये वाले पॉइंट से, कौन से वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, है ना, ये वाले पॉइंट से मैं एच के बराबर की हाइट लिया, सपोज ये आई एच के बराबर की हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे ऊपर वाला जो सर्कल था, जो कि छोटा सर्कल है, स्मॉल सर्कल, ये उस स्मॉल सर्कल का बेस पॉइंट हो गया, उस स्मॉल सर्कल का बेस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्मॉल सर्कल का बेस पॉइंट जो है ये, स्मॉल सर्कल का बेस पॉइंट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम अनवांटेड चीजों को क्लियर कर लो पहले, नहीं तो आपको ड्राइंग बनाने में दिक्कत है। अब हम कल फोर सेंटर मेथड हमने देखा था, फोर सेंटर मेथड क्या था कि आप इस सर्कल का भी सेंटर निकाल लो, ठीक है, इसके भी मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप यहां से यहां तक जो है इस रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो,
यहां से यहां तक ड्रॉ हो गया, ठीक है, और वैसे ही वैसे वर्षा यहां से यहां तक का ड्रॉ कर लो, ये तो ये भी ऐसा ड्रॉ हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये छोटे वाले सर्कल को रेडियस मान के इसको भी ड्रॉ कर लो, ये वाले को सेंटर पकड़ के, ये वाले को सेंटर पकड़ के ये भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ही ऊपर करना है आपको, आपको ऊपर भी करना है तो ये यहां से यहां तक आया तो इसको ऐसा ड्रॉ कर लो, है ना, ये यहां से यहां तक आया तो इसको ऐसा ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया तो इसको भी आप ऐसा ड्रॉ कर लो, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के ऐसा ड्रॉ कर लो। अब आप देखो आपके पास इस फ्रस्टम ऑफ कोन का बेस भी आ गया, इसका टॉप भी आ गया, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मतलब दिखने वाली चीजें क्या क्या है। ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, अब दिखने वाली चीज क्या है, दिखने वाली चीजों में देखो आपको ये पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देगा, ठीक है, ये वाली एज दिखाई देगी, ये वाली एज दिखाई देगी, और ये वाला फ्रंट फेस दिखाई देगा, और ये पीछे वाला फेस डॉटेड रहेगा, पीछे वाला सर्कल डॉटेड। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन हमारा फाइनली निकल के सामने आ गया, इसको हम डार्क कर देते हैं इससे, ठीक है, डार्क कर दिए तो ये देखिए ये फ्रस्टम ऑफ कोन निकल के हमारे सामने आ गया कि फ्रस्टम ऑफ कोन हमको बनाना कैसे, ओके, और ये पीछे वाली चीज डॉटेड लाइन में दिखाई देगी। तो इस तरीके का था दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।